नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2023 को एक जजमेंट है जो प्रोनाउंस की है, जो कि डाइवोर्स से रिलेटेड जजमेंट है और ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि सिविल अपील नंबर ऑफ 2023 जो कि अराइज हुई थी स्पेशली पिटीशन सिविल 15793 ऑफ 2014 की, ये स्पेशली पिटीशन सिविल फाइल की गई थी जिसमें अपीलेंट और रिस्पोंडेंट है। अपीलेंट एक जो है वाइफ है, रिस्पोंडेंट जो है वो हस्बैंड है। और नीचे की जो ट्रायल कोर्ट थी और हाई कोर्ट में कोई रिलीफ जो है डिवोर्स का नहीं ग्रांट किया गया था। और हाई कोर्ट के जो फर्स्ट अपील जब खारिज होने के बाद यहाँ पर स्पेशली पिटीशन सिविल जो है वो फाइल की गई थी। अब आइए इसके जो फैक्ट्स को और थोड़ा सा देखते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स को भी अपने इस जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो जजमेंट्स जो पहले दिए गए थे, उनको भी अपने इस जजमेंट में डिस्कस किया है। तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स और जो लीगल पर एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस किए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। तो पहला जो देखिए बताया है कि सेक्शन 13 सब पार्ट 1 और 13(1)(a) जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके कई ग्राउंड्स हैं वो बताए गए हैं, जिस ग्राउंड्स पे डिवोर्स दिया जाता है। सेक्शन 13 जो है वो बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का कि जब भी इसको सॉलिमनाइज्ड होती है मैरिज को, जब भी जब ये एक्ट कमेंस हुआ था और जो भी पिटीशन फाइल की जाती है चाहे हस्बैंड द्वारा चाहे वाइफ द्वारा, वो डिसॉल्व हो जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। जो ये फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं वो डिवोर्स के लिए जाते हैं अदर पार्टीज के अगेंस्ट में, जब कोई किसी प्रकार की क्रूल्टी की हो या फिर डेजर्शन दिया गया हो, मीन्स अलग से जो स्पाउस है 2 साल से साथ में आ रहा हो या फिर एक तरह की कोई क्रूरता की हो, तो ये सारे ग्राउंड्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। और फिर ये कई या फिर रिनाउंस कर दिया गया हो रिलीजन से या फिर अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो ये सारे ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13(1)(a) के और 13(1)(a) के जो है वो बताए गए हैं। और 1(a) जो है वो ये बताता है कि सॉलिमनाइजेशन होने, जब सॉलिमनाइज्ड हुई हो बिफोर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो एक्ट जो 1955 में आया था, वो पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिवोर्स, अगर कोई भी पार्टीज जो हैं वो 1 साल से ज़्यादा समय से कोई रिजम्पशन कोहेबिशन नहीं हुआ हो, एक फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर अपवर्ड्स, जब भी जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ने अवार्ड कर दिया हो, तो उस जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी 1 साल से ऊपर का समय होने पर नहीं किया हो और कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉर्डिनल राइट्स नहीं हुआ हो, अगर कोई जो 1 ईयर से ज़्यादा समय से अलग रह रहे हों, और फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर अबव आफ्टर द पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोर्ट जब डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देती हो या फिर कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन दे देती हो, उसके बाद भी 1-1 साल बीत जाए तब भी सेक्शन 13 सब पार्ट 1(a) के अंदर वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ये प्रोविजंस हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के वो बताए हैं। फिर 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, तब वो बताया कि क्लॉज 1 सब पार्ट 1(a) और 1(b) 13 का इंट्रोड्यूस किया था और 13(a) भी इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो डिवोर्स है उसको लिबरलाइज किया जा सके। स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स थे वो इसमें डिस्कस किए हैं और लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट थी उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। अब ये बताया कि जो क्रूल्टी जो बताई गई है 13(1)(a) में जो है 1955 में, कोई इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, क्रूरता को कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, लेकिन जो एक वाइड डिस्क्रिप्शन कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया गया कि वो लिबरली और कॉन्टेक्चुअली अप्लाई कर सके, मीन्स सारा कुछ कोर्ट के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो डिसाइड कर सके लिबरली और कॉन्टेक्चुअली। और एक केस में जो क्रूरल्टी है वो जरूरी नहीं कि दूसरे केस में भी वही एप्लीकेबल हो, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो अप्लाई की जाती है और सारे अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अप्लाई की जा सकती है। तो एक व्यक्ति पर जैसी क्रूरता हुई है वो इस यार्डस्टिक है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं लगेंगे, ऐसा ही माननीय कोर्ट ने बताया। और एक जजमेंट आई थी विश्वनाथ आनंद वर्सेस सरला विश्वनाथ आनंद की, तब यहाँ पर क्रूरल्टी के बारे में डिस्कशन की गई थी, उसको भी यहाँ पर एलेबोरेट किया अपनी जजमेंट में। और अब यहाँ पर एक कोर्ट ने बताया कि जो ये क्रूरल्टी जो है वो एक एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी जो है वो एल्बिट जो है अप्लाई किया जाता है, एम्फोसाइज बताया गया कि क्रूरल्टी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव भी है, बट जो क्या ऑब्जेक्टिव होगी और क्या
जो जो सब्जेक्टिविटी को किस तरह से अप्लाई किया, मतलब अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट किस तरह से होगा कि वो एक ऑब्जेक्टिव हो जाए। इसलिए जो क्रूल्टी जो वोमेन जो है वो जरूरी नहीं कि जो क्रूल्टी मैन के साथ हुई हो वो वोमेन के साथ भी वैसी क्रूल्टी हो, क्योंकि वो वोमेन के साथ जो क्रूल्टी की गई है वो काफी इलास्टिक ब्रॉड अप्रोच यूज की जाती है जब केस को जब कोर्ट एग्जामिन करती है, जब वाइफ डिवोर्स लेना चाहती हो तो, क्योंकि सेक्शन 13 सब पार्ट 1 1955 में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और रिकर्स थे बताए गए हैं जो कि दोनों पार्टीज पे जब वो फाइल करती हो तो लॉ जो बताया गया है डिवोर्स का वो एक कंजर्वेटिव कैनवस के बेसिस पे बिल्ड किया गया है, एक फॉल्ट थ्योरी के ऊपर बेस पे बिल्ड किया गया है। और एक कोर्ट ने बताया कि एक लिबरेशन एटीट्यूड को अडॉप्ट किया गया है और ग्राउंड्स फॉर सेपरेशन और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसको इंटरप्रेटेड एक उसी लैटिट्यूडनरिज्म में इंटरप्रेटेड करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर लिबरल कंस्ट्रक्शन बताया गया है, मैट्रिमोनियल लेजिस्लेशंस और सोशो इकोनॉमिकल स्टिग्मा और जो कोई इश्यूज अटैच होते हैं वुमेन के साथ जब वो डिवोर्स या सेपरेशन के इश्यूज रेज किए जाते हैं। तो एक जजमेंट आई थी रेनॉल्ड राजमानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसके पैरा नंबर 14 को कोर्ट ने कोर्ट किया आपने, उसमें बताया था कि जो पोजीशन ऑफ द वुमेन जो मैरिटल रिलेशनशिप में है और जो उसके जो कॉन्सिक्वेंट सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटीज जो फेस करती है फीमेल स्पाउस जब उनको डिवोर्स की जब व्यू में जो लिए जाते तो उसको उस पर जो है उसको डिस्कस किया। उसमें बताया कि जो रिजल्टेंट स्टिग्मा जो होता है वो एक सोशल रीइंटीग्रेशन और जिसकी जिससे वुमेन डिवोर्सी जब वो वुमेन डिवोर्सी होती है सोशली और इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाती हैं, तो ऐसे में कोर्ट जो है एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करती है, कोर्ट को करना चाहिए होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए और एक सम मेजर्स लेने चाहिए जिससे सोशल इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस और सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए और केस ऑफ पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं उसको देखते हुए। तो ये सारे इसके जजमेंट्स आई थी उसके ऊपर कोर्ट ने एलेबरेट किया। और फिर कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी बादशाह वर्सेज उर्मिला बादशाह गॉड से अनदर, इसमें सोशल जस्टिस एडजुडिकेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट को एलेबरेटली डील किया था उस जजमेंट में। तो अब हम इसके जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते था क्या इस केस में। तो कोर्ट ने बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो डिवोर्स का जो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ वो उसी व्यक्ति पर लाई होता है जो डिवोर्स का केस फाइल करता है, तो इसमें जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं करना होना चाहिए बल्कि प्रीपोंडेंसेस के बेसिस पे प्रूफ करना चाहिए। क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में जैसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है वो प्रूफ करना होता है, लेकिन सिविल लिटिगेशन में प्रीपोंडेंसेस ऑफ द एविडेंसेस के आधार पर प्रूफ करना होता है। एक दस्ताने वर्सेस दस्ताने का जैसे केस आया था उसकी जो जजमेंट थी उसको कोर्ट ने डिस्कस किया, और बिपिन चंद्रपाल वर्सेस का केस में भी डिस्कस किया, उसमें कोर्ट ने ये पाया कि जो प्रूफ जो रिक्वायर्ड होता है पिटिशनर को प्रूफ करना कि क्रूल्टी हुई है तो उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की उसको आवश्यकता नहीं होती बल्कि प्रीपोंडेंसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या सर्कमस्टांसेस हुए और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी ये सारी जो एविडेंसेस को इस लेवल पे इवेल्युएट करना चाहिए। और बिपिन चंद्रपाल की जो जजमेंट आई थी जिसमें डेजर्शन था डेजर्शन से आधारित थी उस पर, और जहाँ पर ऑनेस्ट था बर्डन ऑफ प्रूफ था वो उस व्यक्ति के ऊपर था जो प्रूफ जो असर्ट करता हो जो क्लेम कर रहा हो कि उसके साथ डिसीजन हुई है। तो कोर्ट अब यहाँ पर फिर आगे 13 सब पार्ट सॉरी सेक्शन 23 सब पार्ट 1 ऑफ 1955 में एक कॉन्डोनेशन ऑफ क्रूल्टी के ऊपर डिस्कस किया गया था, और सारी जजमेंट को देखने के बाद अब 13 जहाँ पर फिर एक जजमेंट आई थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो उसको पर भी थोड़ा सा कोर्ट ने एलेबरेट किया। तो अब यहाँ पर देख कोर्ट ने कहा कि अब जब इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि एक घर जो होता है वो एक हैप्पी और लवेबल प्लेस होता है रहने के लिए। अब जब वो मिजरी और अगौनी बन जाए जब पार्टनर्स फाइट करते हैं तो अब जब उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो डायरेक्ट विक्टम्स बन जाते हैं उस फाइट्स के, और उनका कोई रोल नहीं होता ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, तो वो एक इरिपेरेबल हार्म है वो फेस करते हैं जब कपल्स है लॉगरहेड्स लड़ते हैं अनमाइंडफुल और अनकंसर्न्ड, जो कंसर्न नहीं होता उनको कि साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उनके बच्चों के मेंटल हेल्थ पे। तो अब यहाँ पर इस केस के ऊपर उन्होंने कोर्ट ने देखा कि इस जो केस का जो टाइटल था जो केस का इस केस के ऊपर अब उन्होंने अपना सारे इवेल्यूएट किया सारे प्रिंसिपल्स को देखने के बाद कि यहाँ पर जो पार्टीज थी उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इस केस में जो पार्टीज की जो मैरिज है वो 2002 में हुई थी और वो रफ हो गई थी वेदर जब उनके जो चाइल्ड की बर्थ हुई थी,
अब डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था 2006 से आगे, और यहाँ पर वाइफ ने एक कंप्लेंट लॉन्च की थी 498A की इंडियन पिनल कोड के अंदर, मतलब इंडियन पिनल कोड के तहत 498 की केस लगाया था, और 13 सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का लगाया था। और रिस्पॉन्डेंट जो हस्बैंड थे उन्होंने भी वाइफ के करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन किया था, और ये प्ली ली थी कि अब जो एक काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया था डेवोर्स का, जब केस वाइफ ने फाइल किया था, तो एक प्ली ली थी कि वाइफ जो है खुद घर छोड़ के गई है, और इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन की भी डिमांड की थी अपीलेंट वाइफ के। उन्होंने कहा था कि जो वाइफ जो है अडल्ट्री में रह रही है, और एक जो चाइल्ड को बर्थ दिया है जो कि नॉन कोहैबिटेशन से हुआ है, और लेकिन जो रिक्वेस्ट थी वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब कोर्ट ने कहा कि डिकेड एंड हाफ में 15 साल हो चुके हैं, पार्टी जो है सेपरेटली रह रही है, और फेयरली स्टेटेड है बार की अब मैरिज जो है वो सर्वाइव नहीं करती है, सर्वाइव हो सकती है क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो टर्मिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी, अब एक सिर्फ एक फॉर्मल डिग्री और डिवोर्स की आवश्यकता है। तो इसलिए स्टेटस क्यों जो है कोर्ट अभी तक मेंटेन हो रखा है जब कोर्ट के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। और फिर कोर्ट ने यहाँ पे शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 की एक जजमेंट थी उसको कोर्ट किया, और उस जजमेंट में बता रखा था कि एक 6 साल का जो पीरियड है, यहाँ पर ये बताया था कि 6 साल का जो सेपरेशन का पीरियड है वो काफी लंबा होता है, और अगर 6 साल से ज्यादा का पीरियड होता है वो ग्रेजुएट फैक्टर होता है और उसको देखना होता है, लेकिन इसको तभी देखना होता है इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस हो तो पार्टीज को देखते हुए देखना चाहिए, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और पार्टीज के जो चिल्ड्रन हैं उनकी एज क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और अदर स्पाउस और चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट है, और किस हद तक और किस मैनर पे वो पार्टीज जो है वो डाइवोर्स ले रही है, तो जो इस क्वेश्चन ऑफ कस्टडी और वेलफेयर ऑफ माइनर चिल्ड्रन को भी देखना होता है, और एडुकेट एलिमोनी जो है वाइफ के लिए, और इकोनॉमिक राइट्स और चिल्ड्रन जो है पेंडिंग मैटर्स को, जो सारे इरेलेवेंट कंसिडरेशंस होते हैं, इस जजमेंट को उन्होंने कोर्ट किया। और यहाँ पर कोर्ट ने फाइनली कंक्लूजन पे आए कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक हाइपर टेक्निकल और पेडेंटिक अप्रोच थी वो अडॉप्ट की थी, और डिग्री ऑफ डिवोर्स को डिक्लाइन कर दिया था। अगर ये साथ में ये बताया कि रिस्पॉन्डेंट हस्बैंड जो है वो खुद वाइफ के साथ, अगर वो हस्बैंड के साथ रिस्पॉन्डेंट हस्बैंड वाइफ के साथ रहना चाहते हैं तो फिर, लेकिन जो एलिगेशंस लगाई थी वो सीरियस एलिगेशंस थी अगेंस्ट हर, जो मेड बाय हर अगेंस्ट हिम, और बोथ पार्टीज जो हैं साथ में बताया था एलिगेशन बाय हिम मेड बाय हिम अगेंस्ट हर एज सीरियस एज द एलिगेशन मेड बाय हर अगेंस्ट, मीन्स हस्बैंड की जो एलिगेशन थी वो ज्यादा सीरियस थी, वाइफ ने 498 की लगाई थी और हस्बैंड ने जो है वो सीरियस एलिगेशंस लगाई थी वाइफ के ऊपर। अब कोर्ट ने आगे बताया कि जो दोनों पार्टीज हैं अलग हो चुके हैं और सेपरेटली लाइफ जी रहे हैं, और अब इसको कंटिन्यू करना, इस अगोनी को कंटिन्यू करना नहीं है, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑफ मेयर स्टेटस विदाउट लिविंग देम टुगेदर, अब साथ में रह ही नहीं रहे हैं तो इसको आगे फर्दर एगोनी को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए हाई कोर्ट की जो ट्रायल कोर्ट का जो जो जजमेंट थी और जो उसको सेट असाइड कर दिया, जो कि हाई कोर्ट ने भी उसको कंफर्म किया था, तो मीन दोनों कोर्ट्स की जो जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया जो वाइफ द्वारा फाइल की गई थी, और डिग्री ऑफ डिवोर्स थी उसको ग्रांट कर दिया। तो ये थी जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।